सावन के महीने में आने वाली नाग पंचमी का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। इन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसके निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन उचित और महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है और वह उस दोष से मुक्ति पाना चाहता है तो हरिद्वार में पूजा करने से काल सर्प दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार सबसे महत्वपूर्ण और उचित स्थान है। काल सर्प दोष को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी, सुनिए। नाग पंचमी 9 अगस्त को आ रही है, जो कि इसमें प्रतिवर्ष नागपंचमी के पर्व को श्रावण मास में सभी धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही भगवान भोले शंकर की कृपा श्रावण मास में अधिक होने से नागपंचमी पर्व का महत्व बढ़ जाता है। अब नागपंचमी में हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ से हमें लाभ मिलता है, क्या चीज़ करने से हमारे सब कष्ट दूर होते हैं, कहने का अभिप्राय यह है, नाग पंचमी को नाग एवं सर्प की पूजा करने से हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगर हम विधि विधान से नाग पंचमी के दिन काल सर्प की पूजा पूर्ण विधि से करें तो काल सर्प से होने वाला जो दोष है उससे हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में भी नागपंचमी को काल सर्प से दोष मुक्ति का उपाय बतलाया है। इसके अतिरिक्त नागपंचमी पर्व को हम सनातन धर्मावलंबी घरों में भी नागपंचमी की पूजा करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। बात और ख़ास यह है, उस दिन सर्प को दूध पिलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है, उससे भी हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। जिनका काल सर्प है, योग है, वो अगर वो उनको सर्प मिल जाता है, कई बार सर्प को दूध पिलाने वाले कोई व्यक्ति ये सबेरे टाइप के आ जाते हैं और वो दूध पिलवाते हैं, उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और नागपंचमी का हमारा जो पर्व है वो सार्थक हो जाता है।